नमस्कार, मेरा नाम भूमिका है। मैं आपका स्वागत करती हूं देश रोजाना चैनल पर। आज के बुलेटिन में आपके लिए लेकर आई हूं ताज़ा खबरें, रोचक जानकारियां और विश्लेषण। चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। IRCTC की तरफ से रामायण यात्रा पैकेज, 16 रातों 17 दिनों में धर्म की अनोखी यात्रा, ऐतिहासिक स्थलों की खोज में निकले। झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्तियों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CBI जांच से होगा पर्दाफाश, क्या मिलेंगे सच के सबूत। लाल किले पर रामलीला का भव्य मंचन, असरानी निभाएंगे राजा जनक के मंत्री की भूमिका, इस नाटक में शामिल हों और संस्कृति का आनंद लें। पवन कल्याण बनाम प्रकाश राज, तिरुपति लड्डू विवाद पर गर्मागर्म बहस, धर्म और सेक्युलरिज्म पर गहराई से विचार करें। बदलापुर रेप केस में आरोपी के एनकाउंटर की जांच, परिवार के आरोपों ने बढ़ाई मुश्किलें, विपक्ष ने उठाए गंभीर सवाल। हरियाणा के महाकांड, दो चुनाव के दिन लाशों का साया, डिप्टी PM देवीलाल का बेटा वोटिंग के लिए अड़ा, बोले महम का वहम निकाल दूंगा। तिरुपति के लड्डू में तंबाकू का विवाद, श्रद्धालु महिला का दावा, लड्डू तोड़ते ही मिले कागज के टुकड़े, क्या है सच। सोने की कीमत ने छुआ आसमान, 204 रुपए की बढ़त से ₹74,671 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, चांदी भी हुई महंगी। भारत बना सकता है कानपुर टेस्ट में 11 रिकॉर्ड, चौथी सबसे कामयाब टीम बनने का मौका, कोहली के पास 27,000 रन और जडेजा 300 विकेट का सपना। IIT मद्रास का ₹500 में नया कोर्स, 11वीं 12वीं के छात्रों को मिलेगी AI और डेटा साइंस जैसी नई जानकारियां। चलिए अब रुक करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की ओर। हरियाणा पंचायत, कुमारी शैलजा की राजनीतिक ताकत और दलों के दावे। हरियाणा पंचायत 2024 के मंच पर कुमारी शैलजा ने अपनी राजनीतिक शक्ति का एहसास कराया। कांग्रेस और भाजपा के बीच शैलजा को लेकर छिड़ी बहस ने चुनावी माहौल को गर्मा दिया। शैलजा ने कांग्रेस की स्थायी विरासत को याद दिलाया, जबकि भाजपा के नेता नायाब सैनी और मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा के खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत किए। कांग्रेसी नेताओं ने शैलजा की क्षमताओं, उपलब्धियों को रेखांकित किया, जबकि भाजपा ने उनकी कमियों को उजागर करने की कोशिश की। ये स्पष्ट है कि दोनों दल अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अखाड़ों की राजनीति में भी दांवपेच चल रहे हैं। हरियाणा के इस चुनावी महासंग्राम में नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ साथ मुद्दों पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ये मंच चुनावी रणनीति और विचारधाराओं के मुकाबले का साक्षी बना, जो हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य को नया मोड़ देने की क्षमता रखता है। इस बार के चुनाव में शैलजा की भूमिका और उनकी रणनीतियों पर नजर रखना आवश्यक है, क्योंकि उनका प्रभाव केवल कांग्रेस पर ही नहीं बल्कि समस्त हरियाणा की राजनीति पर बढ़ेगा। चुनावी माहौल में शैलजा के खिलाफ उठने वाले सवाल उनके जवाब आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ सकते हैं। हरियाणा के स्टार रेसलर बजरंग पूनिया की राजनीति में एंट्री ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका गांव खुड्डन, जो हमेशा से खेलों का गढ़ रहा है, इस बदलाव को लेकर उत्सुकता और जिज्ञासा से भरा है। गांव के लोगों की मान्यता है कि बजरंग ने न केवल खेल में बल्कि अब राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई है। कई ग्रामीणों का मानना है कि उनकी लोकप्रियता और कामयाबी का राजनीतिक क्षेत्र में इस्तेमाल होना आवश्यक है। एक गाँव वाले ने कहा कि बजरंग की सियासत में एंट्री से हमारी आवाज़ को ताकत मिलेगी। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने इस बदलाव को लेकर संदेह भी व्यक्त किया है। बुजुर्ग ने कहा कि खेल और राजनीति दो अलग अलग क्षेत्र हैं, हमें देखना होगा कि वो इस नई भूमिका में कितने सफल होते हैं। खेल जगत के कई साथी भी उनकी सियासी यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। एक स्थानीय खिलाड़ी ने बताया, बजरंग ने हमेशा हमें प्रेरित किया, अगर वो सही नियत से काम करेंगे तो वे निश्चित रूप से बदलाव लेकर आ सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे अपनी कुश्ती की तरह ही राजनीति में भी जीत हासिल करवाते हैं। गांव वाले उनकी सफलता की कामना कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र के लिए सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। रानिया सीट हमें दे दो, बिना आपके समर्थन के नहीं बन सकती नई सरकार, हरियाणा में बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा में एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि नई सरकार का गठन उनके समर्थन के लिए बिना संभव नहीं है। उन्होंने सीट की मांग करते हुए जोर दिया कि अगर इस सीट को नहीं दिया गया तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।
केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी ने हरियाणा में विकास और सुशासन के लिए कड़ी मेहनत की है, यदि हमें रानिया सीट नहीं दी जाती है या दी जाती है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में एक मजबूत सरकार बने। उनका ये बयान आपकी बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, जिसमें वे हरियाणा की राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसकी पहचान होनी चाहिए, बिना आपके समर्थन के नई सरकार का गठन करना मुश्किल होगा। केजरीवाल के इस बयान ने हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है और स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार रानिया सीट के सवाल ने हरियाणा की चुनावी राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और सभी राजनीतिक दल इस मांग को लेकर अपनी रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। केजरीवाल की स्पष्टता और दृढ़ता ये दर्शाती है कि आप हरियाणा में अपनी राजनीतिक पैठ को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। टिकट किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, बीजेपी में अंदरूनी कलह पर बोले विप्लव कुमार देव। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के नेता विप्लव कुमार देव ने महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने पार्टी के अंदरूनी कलह को लेकर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी टिकट किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है और इस बात पर निर्भर करता है कि कौन पार्टी के लिए सबसे उपयुक्त है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए देव ने कहा, इस देश में नेताओं का काम केवल चुनावी टिकट मांगना नहीं है, जो लोग काम करेंगे उन्हें ही अवसर मिलना चाहिए। उनका यह बयान बीजेपी में चल रही चर्चा को ध्यान में रखते हुए आया है, जहां कुछ नेता टिकट वितरण को लेकर असंतुष्ट हैं। देव ने बताया कि पार्टी में हर किसी की राय का सम्मान किया जाता है, लेकिन निर्णय अंतिम रूप से पार्टी के सर्वोत्तम हित में लिया जाएगा। उनका यह स्पष्ट संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए है कि पार्टी के अनुशासन और एकता को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार विप्लव कुमार देव का बयान बीजेपी में चल रही अंदरूनी हलचल को स्पष्ट करता है और आगामी चुनावों में पार्टी की रणनीति को लेकर नई दिशा देता है। उनका जोर इस बात पर है कि पार्टी के लिए सही उम्मीदवार का चयन किया जाए, जो बीजेपी की नीतियों और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हो। तो दोस्तों, इस बुलेटिन में हमने हरियाणा की राजनीति के हालिया घटनाक्रमों पर नज़र डाली, जिसमें बजरंग पूनिया की सियासत में एंट्री से लेकर अरविंद केजरीवाल की रानिया सीट की मांग और विप्लव कुमार देव के बयान तक शामिल है। ये सभी मुद्दे न केवल चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेंगे, बल्कि हरियाणा की राजनीतिक दिशा भी निर्धारित करेंगे। आगे बढ़ते हुए हमें इन घटनाओं पर नज़र रखनी होगी और देखना होगा कि कौन सा दल इस चुनावी महासंग्राम में जीत हासिल करता है। हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना, बेबाक सच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।